वेलकम टू शाइन अकेडमी तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना नहीं आता है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर साल हर एग्जाम में पांच नंबर का आता ही आता है तो इसीलिए ये आपको भी आना चाहिए जिससे कि पांच नंबर आपको ईजिली मिल जाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं तो इसमें आता है आपके पास वस्तु का कॉन्सेप्ट जिसमें आप देखेंगे कि V, A, S, T और U। अब ये तो सिखाने के लिए मैंने कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया है एक्चुअली में इनके स्मॉल लेटर आते हैं इस तरीके से तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन में हमेशा स्मॉल लेटर्स का ही इस्तेमाल करना है यहां पर आप देख सकते हैं वी मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A मतलब होता है एक्सेलरेशन एस मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट टी मतलब तो आपको पता ही है टाइम और यू मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी तो इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इन चीजों का क्या मतलब है तो एक ऑब्जेक्ट अगर है मान लीजिए जो कि स्टार्टिंग में किसी यू वेलोसिटी से चल रहा है जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाली इसीलिए हमने बोला कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली यू वेलोसिटी से चल रहा है कुछ टाइम बाद ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाती है जिसकी वजह से उसकी जो फाइनल स्पीड है वो मान लीजिए वी की हो जाती है तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू में यू से चल रहा था बाद में वो वी से चलने लग गया और यहां से यहां तक में उसको समय लगा टी और यहाँ से यहाँ तक उसने कुछ दूरी कवर करी होगी जिसको कि हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग चीजें होती हैं डिस्प्लेसमेंट कवर किया डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं तो इस तरीके से हमने एक सिचुएशन कंसिडर करी है अब आपको पता होना चाहिए कि एक्सीलेशन किससे कहते हैं एक्सीलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि ऑब्जेक्ट ने कितनी स्पीड गेन या फिर लूज कर दी समय के साथ तो उसको हम बोलते हैं एक्सीलेशन तो यहाँ से एक्सिलेशन आता है v माइनस यू बाय टी इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने से पहले आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी क्या होता है u प्लस वी बाय टू यानी कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का सम लेके टू से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज वेलोसिटी आ जाती है अब यहां पर आप देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमको ड्राइव करनी है बहुत ही सिंपल स्टेप में मैं आपको समझाने वाला हूं आप बस वीडियो को अच्छी तरीके से फॉलो करिए आप देखिए कि यहां पर, पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी इक्वेशन है उन सब में चार वेरिएबल आपको दिख रहे हैं और एक वेरिएबल मिसिंग है अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आपको दिख रहा है कि वी है यू है ए है टी है एस नहीं है इसी तरीके से अगर इसकी बात की जाए तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास वी नहीं है इसकी बात करी जाए तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास टी नहीं है तो ये एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि तीन इक्वेशन में किस तरीके से चार वेरिएबल साथ में होते हैं और एक वेरिएबल मिसिंग होता है इसके अलावा एक और जो पॉइंट है आपको पता होना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि वस्तु की अगर हमको तीन चीज़ें मालूम है तो हम बाकी की दो निकाल सकते हैं तो तीन वेरिएबल अगर नोन है तीन वेरिएबल नोन है तो हम दो अननोन को फाइंड कर सकते हैं बस आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको फिर से देख लीजिए वस्तु के तीन वेरिएबल अगर पता है तो आप कोई भी दो निकाल सकते हैं इसका इस्तेमाल आपको न्यूमेरिकल में आएगा इसकी मदद से हम पता करते हैं कि इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन हमको सवाल के अंदर लगानी है अब आप यहाँ पर देखिए कि पहली इक्वेशन के लिए हमको चाहिए वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी आप देखिए कि ये चारों चीजें इसी फॉर्मूले में आ रही हैं तो हम इसी को रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं हमको वी की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे वी को अगर निकालना है तो टी को पहले इधर पहुंचाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ए इंटू टी हो जाएगा और वी माइनस यू इधर बचा रहेगा अब सिंपली आप बोल सकते हैं कि अगर वी अकेला चाहिए तो यू को इधर पहुंचा देते हैं तो यहां से आप देख सकते हैं कि ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी आ गया है और इसी को हम रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल स्टेप्स में पहली इक्वेशन हम ड्राइव करना सीख चुके हैं आई होप कि आपको समझ में आया होगा इसमें हमने इसी फॉर्मूले का सिंपल इस्तेमाल किया हुआ है अब सेकंड के लिए हमको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी बट अगर आप अच्छी तरीके से समझेंगे स्टेप्स क्या है तो आपको उसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी सेकेंड इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि हमको चाहिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अब मुझे पता है कि ये जो वेलोसिटी मैंने लिखी है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉल टोटल टाइम की है तो ये जो चीज है और ये जो चीज है वो सेम है ये वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों एक ही बात होती है तो इन दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूं मैं लिखूंगा एस बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय टू अब आप यहां पे एक सिंपल सी चीज नोटिस करिए यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास वी नहीं है इस वाली इक्वेशन में हमारे पास वी नहीं है तो हमको कैसे भी करके यहां से वी भगाना पड़ेगा और वी को भगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो हम इस वाली इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एस बाय टी क्योंकि वी नहीं चाहिए तो वी भगा देंगे एस बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस वी की जगह आप क्या लिखने वाले हैं यू प्लस ए टी और पूरे में टू का डिवाइड अब आप सिंपली देख सकते हैं कि ये इक्वेशन बनने वाली है यहाँ से हम टी का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये टी का अगर मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये टी पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा अब टी का मल्टीप्लाई इसमें जाएगा उससे पहले हम क्या करते हैं इसको ओपन करते हैं तो आप देखिए कि यू प्लस यू कितना टू यू ये वाला यू इसके साथ जुड़ गया प्लस ए टी और ये जो नीचे वाला टू है इसको मैं दोनों में अलग अलग डिवाइड दे, दे देता हूँ और टी अभी भी बाहर बैठा हुआ है तो आप देख सकते हैं टू से टू कट गया और इस तरीके से टी का इसमें टू होगा तो क्या आ जाएगा यू टी और टी का इसमें टू होगा तो कितना आ जाएगा ए टी स्क्वायर और नीचे कौन बैठा हुआ है टू तो वन बाय टू तो आप देख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू एस और इस तरीके से हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव हो चुकी है तो यहाँ पे हमने क्या किया है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया u प्लस वी बाय टू और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम भी होता है इन दोनों को कंपेयर किया कंपेयर करने के बाद v नहीं चाहिए था तो v को हमने भगा दिया v को भगाने के बाद सिंपल कैलकुलेशन की मदद से सेकेंड वाला भी हमारा हो चुका है अब हम बढ़ते हैं तीसरे की तरफ तीसरे में हमको चाहिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस और आप देख सकते हैं कि हमको टी की जरूरत नहीं है अब आप देखिए कि क्या इसी चीज़ में हम टी को बगा के ये वाली चीज़ ला सकते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से हम तीसरी वाली को सॉल्व करने वाले हैं आप देखिए कि हमको टी नहीं चाहिए यहां से हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय टू इंटू टी इस टी को मैंने इधर पहुंचा दिया अब टी नहीं चाहिए तो टी को भगाने के लिए क्या करेंगे इसका इस्तेमाल करने वाले टी को हम लिख सकते हैं यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी माइनस यू बाय ए आ जाएगा और ये जो टी है इसकी वैल्यू हम यहां पे पुट करने वाले हैं तो ये कितना आ जाएगा एस इक्वल टू यू प्लस वी बाय टू इंटू ये कितना आ गया है वी माइनस यू बाय आप ऊपर देख सकते हैं क्या बनना है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो वो आपको पता है क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बीज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये क्या बन जाएगा v माइनस यू इंटू वी प्लस यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और नीचे कितना आ रहा है टू ए अब आप देखिए कि यहाँ पर हमको वी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो वी स्क्वायर को अकेला रखे रहने देंगे बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो टू ए को जब एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और ये जो यू स्क्वायर है वो इधर आ जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस क्योंकि ये माइनस का था दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा और इस तरीके से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूफ हो चुकी है इसमें आपने क्या किया कि इस वाले फॉर्मूले में टी की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया क्योंकि हमको दिख रहा था कि टी की ज़रूरत नहीं है तो इस तरीके से सिंपल स्टेप फॉलो करके हमने तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूफ कर दिए आई होप कि आपको समझ में आई होगी और अब आप इनको एक बार खुद से भी ट्राई करें जिससे कि आपके पाँच नंबर परफेक्टली पक्के हो जाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन अगर आपको समझ में आ गया है बट आपको इसके सवाल लगाने में न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताना मैं फिर आपके लिए न्यूमेरिकल वाला वीडियो भी जल्दी ही बना दूंगा तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी तो आज के वीडियो के लिए इतना ही अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय